हम लोग आई। मैं तो अच्छी हूँ बेटा, पर तेरे घर की हालत देख, बच्चे भूखे मर रहे हैं, तेरी बीवी को टीबी हो गई है। हाँ आरती, आरती अब आ गए। आरती ये तुमने अपनी क्या हालत बनाई है, कंगू कह रही है कि तुम्हें टीबी हो गई है और तुमने मुझे तुम लोग ने अभी तक खाना नहीं खाया? हम लोग ने दो दिन से खाना नहीं खाया। ये तू ले, अबे 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 कूदी में आ जा, ये देख मैं तुम लोगों के लिए मिठाई लाया हूँ। अमर भाई ये ले नहीं जाना, ये बंदूक छोड़ दो मेरी बंदूक को। भारती मेरे जेल जाने के बाद रॉबर्ट ने हर महीने तुम्हें रुपया नहीं भेजा? नहीं, और अगर भेजता तो भी मैं नहीं लेती, क्योंकि वो हराम की कमाई होती और मैं हराम की कमाई से अपने बच्चों को पालना नहीं चाहती। रॉबर्ट सुनिए मेरी बात तो सुनिए, अब जा कह रहे हैं अमर बेटे, ये क्या कर रहे हैं बेटे? पिस्तौल छुपा रहा हूँ, छोटे ने देख लिया तो मांग लेगा। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं किशन लाल, आपकी गाड़ी का ड्राइवर। कौन सी गाड़ी? इतनी जल्दी भूल गए रॉबर्ट सेठ? याद है वो दिन जब तुम पुलिस से जान बचाकर भागते हुए मेरे घर आए थे? किशन लाल, किशन लाल कौन है? किशन लाल घर में है जिया। किशन लाल घर में कहाँ है जी? मैं बुलाती हूँ, आप अंदर। नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो प्लीज। सेठ जी आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता है? बहुत जरूरी काम है कृष्णा, मेरी बात सुनो। मेरी कार से एक्सीडेंट हो गया और एक आदमी मर गया है। आदमी मर गया? मैं चाहता हूँ इल्जाम तुम अपने ऊपर ले लो। मैं किशन लाल, तुम एक वफादार मुलाजिम, हर मुलाजिम का फर्ज है कि अपने मालिक की मदद करे। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे बीवी बच्चों का ध्यान में रखूंगा, तुम्हारी जितनी तनख्वाह उससे डबल रकम इनके पास पहुंचा दे करूंगा। कृष्ण प्लीज। उसके बाद आपका सारा इल्जाम आपके कहने से मैंने अपने सर ले लिया, खुद जेल चला गया और आपको बचा लिया, सिर्फ इसलिए कि आपने मुझसे वादा किया था कि मेरे जेल जाने के बाद आप मेरी बीवी और बच्चों का ख्याल रखेंगे, जितनी तनख्वाह मुझे मिलती थी उससे 3 गुना ज्यादा मेरे घर पहुंचा दिया करेंगे। 3 गुना तो एक तरफ, आपने एक आना भी नहीं पहुंचाया, क्या यही आपका वायदा था? हम सोच रिस्की में टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, हम इसमें आइस डालना भूल गया था। हाँ सेठ, जब तुम अपनी विस्की में बर्फ डालना भूल सकते हो तो किसी गरीब के पेट में रोटी डालना कहाँ तक याद रहेगा। टाइम की बात करो, बेकार बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। मेरी मजबूरी मुझे आपके पास ले आई है सेठ जी, मेरी बीवी को टीबी हो गया है, मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, मैं आपसे अपनी कुर्बानी की कीमत नहीं अपने परिवार की जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ। हाँ हाँ, भीख पर हमको अच्छा नहीं लगता, देखो तुम एक यंग आदमी है, कुछ मेहनत करो, कुछ काम करो। पहुंचाओ, सोच कर आए हो, ईमानदारी से किया हुआ कोई काम बुरा नहीं होता, तुमको पैसा चाहिए पैसा मिलेगा। पहुंचो पहुंचो, कम ऑन कम। बराबर सफा कराओ, चमक होना चाहिए, शक्ल दिखना चाहिए। ठीक है। आज तुम हमको बोला कि तुम्हारी बीवी बच्चों को हम एक आना भी नहीं भिजवाया,
और नहीं तो क्या, बूट पॉलिश करने का तुमको 10,000 रुपए मांगता क्या? रॉबर्ट, तुमने गरीब की मजबूरी का मजाक उड़ाया है, बहुत महंगा पड़ेगा। आई से गया, ट्राई मत तुम्हें। रॉबर्ट सेठ, तुम्हें इस वक्त शराब का नहीं दौलत का नशा है, और कसम है अपनी औलाद की, तुम्हारा ये नशा एक दिन मैं उतारूंगा, मैं। You bloody fool! रॉबर्ट को यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सी गोलियों से खेलना पड़ा। Get him! इस गाड़ी में गोल्ड है, सोना है, फॉलो हिम, फॉलो हिम। चिट्ठी दे कर गई है मत रो राजू, नहीं राजू भाई मत रो। मैं अपने जीवन का अंत करने जा रही हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप जो पैसे कमाए हो मेरी बीमारी पे खर्च करें, उन्हीं पैसों से आप बच्चों की परवरिश करना। संतोषी माँ का यार आपकी रक्षा करेगा, आपकी भारती। चलो बच्चे, चलो 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 अरे भाई बच्चों को लेके तुम कहाँ जा रहे हो? गंगू भाई, रॉबर्ट के आदमी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो लोग यहाँ जरूर आएंगे, मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की जान को भी खतरा है। भारती न जाने कहाँ चली गई, तुम भी जा रहे हो? ये किशन लाल अपने बच्चों के साथ कहाँ जा रहा है? घर में तो कोई नहीं है, लगता किशन लाल भाग गया। चलो यहां से जाना नहीं है, मैं अभी वापस आता हूं।
छोटू तुझे भूख लगी है? मैं अभी तेरे कुछ खाने को लाता हूँ। तू यही रहना, कहीं जाना मत। चलो नीचे जल्दी करो। पुलिस ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? पता नहीं साहब। सुनो कोई वहां नीचे नहीं जाएगा, समझ गए? जी। और सुनो तुम जाके एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को फोन करो। इस कार में तो किशनलाल और उसके बच्चे थे। अरे बेटे क्यों रो रहा है? क्या बात? हाँ मत मत। अरे भाई ये किसका बच्चा है? वारे खुदा बंदा, अजब लोग हैं तेरी दुनिया के। बच्चे पैदा तो कर लेते हैं, परवरिश नहीं कर पाते तो भटकने के लिए छोड़ जाते हैं। घबरा नहीं बेटे, मैं परवरिश करूंगा तेरी। चल बेटे चल। उठिए, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? ये क्या? मुझे कोई दिखाई नहीं देता, मैं कुछ देख नहीं सकती। मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मरने दो। बहन खुदकुशी करना सबसे बड़ा गुनाह है, तुम्हारी जिंदगी पर किसी और का भी हक हो सकता है। शायद आप ठीक कह रहे हैं, भगवान ने मुझे इसीलिए सजा दी और मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। उठो बहन, उठिए, उठो, जरा संभल कर, जरा संभलिए। चलिए मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूं। ना रो, ना रो, ना रो, बस अभी घर पहुंचते हैं। क्यों रो रहा है? बहन इसे कोई बोरीवली के पास में छोड़ गया था। छोड़ लगता है कि अल्लाह मियां ने इसकी परवरिश मेरे नसीब में लिख दी। भैया भगवान आपको और इस बच्चे को सुखी रखे।
लीजिए बहन, आपका घर आ गया। आपकी बड़ी मेहरबानी। इसमें मेहरबानी की कौन सी बात है, बस आइंदा अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अमर, अमर बेटा, भारती, भारती, ये तुझे क्या हो गया? मेरी आंखों की रोशनी चली गई। गंगू बहन, मेरे पति और मेरे बच्चे कहाँ हैं? अब वो नहीं रहे भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपके पति और आपके बच्चे एक्सीडेंट में मारे गए। गॉड, फादर, दैट्स अ चाइल्ड डियर। चाइल्ड? फीवर। इसकी मां ने सुसाइड कर लिया, लगता है गरीबी के कारण इसका बाप इसे यहां छोड़ गया। Come on, son. God will protect you. इस बच्चे को संभाल के अंदर रख लो। कन्फेशन के लिए आया हूँ। यस फादर, आज मैंने अपने स्कूल की किताबें भेज दी। व्हाट? स्कूल की किताबें भेज दी? फादर, सड़क पर एक मरा हुआ आदमी पड़ा था, उसके कफन के लिए मैंने किताबें भेज दी। लेकिन बेटे, तुम्हारा नहीं था, तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करनी। क्या? नहीं नहीं फादर, अपन पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। अपन थोबड़े से फंदेबाज लगता है, पन अपन है नहीं। अपन उधर जाएगा तो वो लोग उल्टा अपन को पकड़ के बंद कर देगा। बंद कर देगा तो अच्छा हो। कैसा बात करता है फादर, वो लोग अपन को ले जाएगा, तुमको अच्छा लगेंगे? और नहीं तो क्या। आए दिन तुम लोगों को पकड़ कर बीच सड़क पर मारते रहते हो। किसको मारा अपन ने फादर? ना कल ही एक आदमी को मारा तुमने। कौन? वो पीटर। अरे उसका बात मत करो फादर, एक तो वो बिना लाइसेंस के गंदा दारू बनाता है, ऊपर से नौसादर मारता है, फिर गटर का पानी मिलाता है। 20 बरस में मरने वाला आदमी 2 बरस में मर जाए। तो तुम कौन सा अमृत बेचते हो? अरे दारू तो अपन भी बनाता है फादर, लेकिन अपन के पास लाइसेंस है, एकदम प्योर माल। कभी अपन का दारू पीने आओ ना, देखो कितना मजा आता। सॉरी, तुम काहे को पिएगा दारू? देखो एंथोनी। यस फादर। मैं एज ए प्रीस्ट नहीं बल्कि एज ए गार्जियन तुमसे कहता हूं कि तुम ये धंधा छोड़ दो, वरना मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। कंप्लेन कराए फिर तुम एक काम करो, आप उनके साथ साथ इसका भी कंप्लेन करो। What nonsense are you talking? ठीक तो बोलता है फादर। देखो अपन जो कुछ कमाता है 50% इसका पेटी में डालता है कि नहीं? उसका पेटी में डाल के तुम उसको रिश्वत देता है? अरे फादर, अपन कौन होता है इसको रिश्वत देने वाला? देखो फादर, वो जो अपन को देता है उसमें से 50% हम उसका पेटी में डालता है गरीब लोगों के पास। ये अपन का अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं? गरीब लोगों का फिक्र उसको भी है, अपन को भी है कि नहीं? बोलो है कि नहीं फादर? है नहीं बोलेगा? नेवर माइंड, एक ना एक दिन तुमको हाथ बुला कर दिया जाएगा। एंथोनी भाई, बाहर एक्सीडेंट हुआ है।
ये हुआ कैसे? एक गाड़ी वाला है इनको धक्का मार के न जाने की तरफ चला गया। अरे तो मुंह क्या देखता है, टैक्सी बुलाओ ना। हेलो पुलिस स्टेशन। अब एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट किसका? एक औरत का साहब। कहाँ ले गए उसे? नानावती हॉस्पिटल। नानावती, ठीक है मैं पहुंचता हूँ। अल्लाह रहम। ये झूठ मूठ का आई मत करो, अब जाओ यहाँ से, तुम बिल्कुल ठीक हो। अजी आपका ये आला बिगड़ा हुआ है, जरा सीने पर सर रखकर कान लगाकर सुनो, अंदर से यही आवाज आएगी, दर्द दिल, दर्द कमर, दर्द जिगर, दिल मेरा दर्द का गोदाम बंद रह गया। लगता है आजकल तुम्हारी कवाली के शौक कम हो गए, इसलिए रोज मरीज बनकर हॉस्पिटल चले आते। माफ कीजिएगा हुजूर, आज आपका ये मरीज दर्द दिल का इलाज कराने ही नहीं, आपको अपनी कवाली के लिए खास दावत देने के लिए भी आया है। ये अच्छा तरीका दावत देने का, तो फिर और क्या करें? तुम डॉक्टर हो, बीमारी का बहाना बनाए बगैर यहाँ आ नहीं सकते, बाहर मिलो तो तुम्हारे अब्बा उसको डंडा लेकर मारने को दौड़ते हैं। आज शाम को भी यही होगा, पहले तो अब्बा जान तुम्हारी कवाली के लिए राजी नहीं होंगे, और अगर हो भी गए तो खुद तो आएंगे ही, और साथ में पूरी पलटन। डॉक्टर, उन दो आदमियों का खून भी उस औरत को कम पड़ रहा है, और भी खून की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस वक्त आरज का खून कहाँ से मिलेगा? अच्छा हम चलते हैं, ये रहा तुम्हारा कार्ड, शाम को मुलाकात होती है क्या? खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सुनो अकबर। सुनो सुनो। नहीं जाओ क्या? तुम्हारा खून में तो आरज का है ना? अजी हमारा तो कोई ग्रुप ही नहीं है, अगर आपके अब्बा मेहरबान हो तो बहुत जल्दी ग्रुप बन जाएगा क्या? अच्छा सुनो, तुम मेरी खातिर उस औरत को अपना थोड़ा सा खून दे सकते हो। आपकी खातिर? अजी आपकी खातिर खून तो क्या, ये बंदा आपके लिए जान भी दे सकता है, आप हुक्म तो कीजिए। नर्स तुम इन्हें ले चलो और खून देने की तैयारी करो। ओके आइए। चलिए चलिए। क्या नाम है इन लोगों का? इनका नाम है अमर, अकबर, 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 एंथनी। Thank you.
इसने मुझे दो साल तड़ी पार क्या कर दिया? नहीं, बात को सलाया का दादा बन गया और किधर है अंधोनी? नहीं बाप लगो, ये बचेला बाटली भी फोड़ डाल और 780 रुपए हटाने का हिसाब भर दे। तो यार कब से अंधोनी नगर बना डाला है? अरे पुलिस तेरे को तड़ी पार करके जामनगर फोड़ा डाला, अपन इधर अंधोनी नगर बना डाला। बोल है कि नहीं? हा? नहीं बोले चले, बाटली फोड़ा माल निकाल। मुझसे माल लेगा है? अबे तेरे से तो क्या, तेरे बाप से भी माल लेगा। कचरे का कचरे के साथ डाल देना कचरे की नाली में। जय जय सुभान अल्लाह अंतुनी भाई, सुभान अल्लाह। शहर साफ करो के पहले नारे के साथ ही तुमने बस्ती की सारी गंदगी दूर कर दी। बहुत अच्छे, अल्लाह करे इन बाजुओं का जोर बढ़ता जाए और शहर के सारे गुंडों का जोर घटता जाए। हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुम है किधर आजकल, दिखता ही नहीं। अरे क्या करे अंतुनी भाई, कव्वाली की तैयारियां कर रहा था, सांस लेने तक का वक्त नहीं मिला। आज शाम अपनी कवाली का स्पेशल प्रोग्राम है, उसके लिए मैं तुम्हें दावत देने आया हूँ। ये लो तुम्हारा कार्ड, भाई जान आओगे ना? अरे ऑफ कोर्स आएगा यार, तेरा कवाली हो और अपुन ना आए? तेरा टिकट विकेट बिके लाए कि नहीं? तो अपुन को बोल, अपुन फटाफट भेज डालेगा। अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल हाउसफुल है भाई जान। अरे वेरी गुड वेरी गुड, मगर कवाली में तशरीफ जरूर लेके आना। तो ये गुदी टिकट ब्लैक में मत भेज देना, बहुत डिमांड है। क्या ऐसा? क्या ऐसा? पहले अल्लाह बोल फिर दरवाजा खोल। अकबर, अकबर माँ जी आप? तू अकबर है बेटे? हाँ मैं अकबर हूँ माँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा उस दिन तूने खून देकर मेरी जान बचाई, मैं और कुछ तो नहीं दे सकती, अपनी शुभकामनाएं देने आई हूँ, ये तेरे लिए फूल ले आई हूँ। नसीब ले अपने हाथों से ये फूल मेरी कलाई पर बांध, और माँ तेरी दुआएं साथ रही तो इंशाल्लाह आज भी कामयाबी मेरे कदम चूम करेगी। बेटा भगवान तुझे कामयाबी दे। चला माँ तेरे सुनो, एक टिकट मिलेगी? कोई टिकट नहीं माई, सब खत्म हो गई। अच्छा
सुनो भाई, अरे सुनो भाई, एक टिकट मिले? नहीं माँ जी, कोई एक्स्ट्रा टिकट नहीं। अरे भाई, एक टिकट मिलेगी। अरे माई, तुम इधर गर्दी में क्या करता है? तुम कौन हो? अरे अपुन एंथनी, एंथनी गोंसाल्वेस। बेटा तू? हाँ, तुम इधर क्या करता है माई? अकबर को फूल देने आई थी, सुना है बहुत अच्छा गाता है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। ऐसा क्या, तो चलो ना अपन तेरे को लेके जाता है, चल। लेकिन ये लोग बोलते हैं टिकट खत्म हो गई। टिकट खलास हो गया? अरे कोई बांधा नहीं माई, अपन के पास देखो स्पेशल पास है, हैं? तुम इधर टिकट पे बैठ जाना, अपन तेरे पांव के पास नीचे बैठ जाएगा। चल आ, चल बाजू हटे भाई, बाजू। या बहाने से
जरा अपनी सूरत दिखा दे, समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दो रुसवा, तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दो, हाँ परदाना की काबे परदाना कर दो, तो 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 अकबर ते पर्दा नशे का बे पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। खुदा का शुक्र है चेहरा नजर तो आया है, हया का रंग निगाहों से फिर भी छाया है, किसी की जान जाती है, वाह वाह वाह, किसी को शर्म आती है, किसी की जान जाती है, किसी को शर्म आती है, कोई आंसू बहाता है तो कोई मुस्कुराता है, सता कर इस तरह अक्सर मजा लेते हैं ये दिलबर, हाँ यही दस्तूर है इनका, सितम मशहूर है इनका, मशहूर है इनका, सितम मशहूर खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूं, हाँ हाँ पर्दा नशे को बे पर्दा ना कर दूं, तो 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 अकबर तेरा नाम नहीं है, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दूं, तो अकबर मेरा नाम नहीं है, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। यस सर। आजकल हाईवे पर एक लड़की लोगों से लिफ्ट मांगती है, बाद में वो और उसके साथी उसको लूट लेते हैं। लड़की? हाँ, ये एक फोटोग्राफर है, आज ये उसका शिकार बन गया, लेकिन जाते जाते इसने उस लड़की का फोटोग्राफ ले लिया। देखिए, किसी ने मेरा पर्स मार दिया, बस में जाने तक के पैसे नहीं है, आप मुझे अगली क्रॉसिंग तक लिफ्ट दे सकती हैं प्लीज? आइए बैठिए। थैंक यू। आप रहते कहाँ हैं? अपने एक नहीं, बहुत सारे घर हैं,
ओरेवली, कांदिवली, चांदिवली, लालबाग, भिंडी बाजार और भी कई घर हैं। चलिए तो आपके घर चलने को भी तैयार हूँ। इरादा तो नेक है लेकिन घर नहीं। आदमी समझदार लगती हो। चलिए जगह मैं बताती हूँ। लेकिन अगर पुलिस आ गई तो? बहुत डरते हैं आप। जी हाँ, मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ पुलिस नहीं आएगी। तो ठीक है, चलो इसी बहाने वो जगह देख लें जहाँ पुलिस नहीं आती। आइए आइए ना। यहाँ आइए तो सही। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ आइए। ए, क्या कर रही हो? निकाल सारे पैसे वरना शोर मचाऊंगी कि आदमी मेरी इज्जत लूट रहा है। अरे ये क्या बदतमीजी? निकालता है या शोर मचाऊं? अरे मचाओ, शोर मचाओ। ये बात है। हाँ हाँ मचाओ। बचाओ, बचाओ, बचाओ। क्या हुआ बहन? ये आदमी मेरी इज्जत लूटना चाहता है। कब? शक्ल सूरत से तो बड़ा शरीफ आदमी लगता है, ऐसी गंदी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अरे देखो, सूट बूट पहन के एक शरीफ लड़की की इज्जत लूट रहा है। मेरा ख्याल से पुलिस स्टेशन ले चलते। चला पुलिस स्टेशन। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है क्या? मामला यहीं पटा दीजिए ना। तो फिर ठीक है, जितना माल है वो निकाल दो, मैं मामला यहीं पटा देता हूँ। ये लो। पुलिस भागो। सबको गिरफ्तार कर लो। तुम भागी नहीं? तुम्हें गिरफ्तार होने का ज्यादा शौक है क्या? गिरफ्तार ही कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, जिल्लत की जिंदगी से तो छुटकारा मिलेगा। क्या ये काम तुमसे जबरदस्ती करवाया जाता? मैं यतीम हूँ, एक बूढ़ी दादी के अलावा मेरा कोई नहीं। मेरा सौतेला भाई और सौतेली माँ मुझसे ये काम करवाते हैं, वरना मारते हैं, भूखा रखते हैं। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, या किसी भी तरह जिल्लत की जिंदगी से छुटकारा दे दीजिए। अच्छा मेरे साथ। मामा, भैया को पुलिस पकड़ के ले गए। क्या कहा? मेरे बेटे को फंसा कर तू यहाँ भाग रही है? इसीलिए तो कहती थी मुझसे जबरदस्ती ये काम मत करवा। मुझसे जबरदस्ती ये काम मत करवाया करो। जानती है तेरे बाप ने तेरा नाम लक्ष्मी क्यों रखा था? ताकि जब जिस वक्त तुम इस घर में कदम रखो लक्ष्मी लाया करो। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जाओ, किसी भी हालत में उसको छुड़ा के ले आओ। कैसे छुड़ा के लाऊं? मेरे पास जमानत के लिए पैसे भी नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, तो किस तरह लाएगी पैसे, क्या करेगी? झट पाप कुछ भी कर। जमानत के पैसे? अबे ओ बुढ़िया, अबर में टांगे लटकाई बैठी हो लेकिन जेवर का शौक अभी तक नहीं गया। चल निकाल इन्हें जल्दी से। नहीं, ये मैंने लक्ष्मी के ब्याह के लिए रखे। तुम्हें नहीं दे होंगे। अगर लक्ष्मी जैसी लड़कियों की शादी होना शुरू हो जाए तो कोठों पे ताले लग जाएंगे।
चल बुढ़िया चुपचाप निकाल के दे रहे, अच्छी तरह से निकाल के दे रहे या कानों के समेत छीन लूंगी। अरे चल, अरे आई छुड़ाने वाली। सब सुन लिया है मैंने, छोड़ दो इन्हें। कौन हो तुम? इंस्पेक्टर अमर खन्ना। क्या पुलिस? तुमने इनको बुलाया है? तुम्हें जेवर पहनने का बहुत शौक है ना? इससे अच्छे जेवर और कौन से मिलेंगे? क्या आप क्या कर रहे हैं सर? आपको गलतफहमी होगी बेटी, तुम ही इनको समझाओ ना। हम इनसे चार आदमी हैं, आप इनसे पूछिए ना हम इनको कितना प्यार करते हैं। माँ जी आप ही समझाइए ना। मैं सब समझ चुका हूँ, ले जाओ इसे। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या धोखेबाजी है मेरे साथ? मैं सबको देख लूंगी। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटा, मुझे अपनी परवाह नहीं लेकिन इसके लिए डरती हूँ। रंजीत छूट कर आएगा तो अपना और अपनी माँ का बदला इससे लेगा, बहुत जुल्म करेगा इस पे। घबराइए नहीं माँ जी, वैसे तो रंजीत अभी तक पकड़ा नहीं गया लेकिन बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। लेकिन जब तक वो पकड़ा नहीं जाता सीआईडी इस घर पर 24 घंटे नजर रखेगी। आप इस घर में आराम से रहिए। लेकिन ये घर हमारा नहीं, उन लोगों का है। उन लोगों ने किराया भी नहीं दिया, मकान मालिक ने नोटिस दे दिया। तो ठीक है आप लोग मेरे साथ चलिए। कहाँ? मेरे घर। जी जी सुअर का बच्चा, तो टके का आदमी होकर लाखों टके का माल गिरा दिया। तुम? मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? बदतमीज, जूता खराब कर दिया, साफ करो जल्दी। अच्छी तरह साफ करो, छह मकान चाहिए, क्या कल देखना चाहिए? मेरी बेटी कहाँ? बैठे कौन सा बेटे? उस राज्य से तुम उठा कर ले गए थे। हमें कुछ याद नहीं। याद करो, प्लीज याद करो। उस राज्य जब मैं सोया हुआ था याद आ गया है ना? हम भी सोच रहा है कि बिस्किट पीने में मजा क्यों नहीं आ रहा है, पर अब चालना भूल गया था। ये लो, पहचाना इसी कन्नी को? ये वही कन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। माफ कर दो मुझे, मुझ पर रहम खाओ। कभी नहीं रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया हूं और तुम मेरे कदमों में। मुझे सिर्फ इतना बतला दो मेरी बेटी कहां है। तुमने मेरी बीवी और बच्चों को भूखों तड़पाया, उन्हें हमेशा के लिए मुझसे जुदा कर दिया। तेरे इस कमीनेपन के बावजूद मैंने तेरी बेटी को अपनी औलाद से बढ़कर समझा, उसे पढ़ने लिए विलायत भेजा। विलायत? हाँ, और वो इसी हफ्ते वापस आ रही है। मुझे एक दफा उससे मिलने दो प्लीज। तू उससे नहीं मिल सकता, मेरी तरह तू भी अपनी औलाद को देखने के लिए सारी उम्र तड़पता रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करो। अच्छा उठाओ, देखो सब काम ठीक तरह से होना चाहिए, खबरदार रहना। जैसे कमीने सिर्फ पीठ परिवार का सीने पर नहीं। हिलना मत वरना गोली मार दूंगा।
ऐसा तो आदमी लाइफ में दो ही टाइम भागता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो। तुम काहे में भागता है भाई? बिस्कुट कौन सी फैक्ट्री का है? नहीं, ये तो बाहर का माल मालूम पड़ता है भाई। हमको कुछ छुपा दो, पुलिस मेरे पीछे लगी है। काहे को छुपाएगा भाई, तुमको पुलिस के अंदर देगा तो अपन को 20% मिलेगा और पेपर के अंदर अपना फर्स्ट क्लास हीरो का माफिक फोटो चलेगा, क्यों है कि नहीं? ब्रदर, हम तुमको इसमें से आधा सोना देखा आधा। Amen. तुम कोई पुलिस वाला पे हाथ वात तो नहीं उठाए? नो नो आई स्वेयर। हाँ भाई, अभी हिसाब किताब का बात करो। ये माल का 3 पार्ट करना होगा, एक तुम्हारा, एक अपुन का, एक अपुन के पार्टनर का। वो ऊपर वाला अपुन का पार्टनर है, हमारा उसका पुराना कंटिन्यूटी। लेकिन तीन नहीं, अभी पुलिस को बुलाता है। बता, आपको मंजूर? मंजूर है ना, चलो। और देखो भाई, अपन को कोई फांदेबाजी नहीं चाहिए, नहीं तो अपन भी राधा। हम ईश्वर का कसम खाते हो। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है इनकी? ही स्टिल इन अ क्रिटिकल कंडीशन, अब भी खतरा है। डोंट वरी, वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट। डॉक्टर साहब, मैं बचपन में अपने माँ बाप से बिछड़ गया था, इन्होंने मुझे माँ बाप का प्यार दिया, इन्हें किसी तरह बचा लीजिए, मैं दोबारा अनाथ नहीं होना चाहता। अगर हमारे साहब को कुछ हो गया तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बताओ कि हमारे साहब को गोली किसने मारी? तुम्हें याद आया? आया साहब, मैं बताता हूँ, उसका नाम है रॉबर्ट। और उस आदमी का नाम क्या है जिसके लिए तुम काम करते हो? बोलो साहब, आपको इंस्पेक्टर देसाई बुला रहे। अमर, इस आदमी ने रॉबर्ट को देखा है। कहाँ देखा है? एंथोनी के साथ, एंथोनी वाड़ी में। एंथोनी, चलो। पुलिस, तुम लोग उस तरफ जाके पूछो। ए, ए तुम, हाँ हाँ तुम इधर आओ। अपन कोई लफड़ा नहीं किया साहब, कोई लफड़ा नहीं किया, अपन का तो लाइसेंस बाहर है, ये देखो लाइसेंस नंबर 108 इधर चिपकाया है कि नहीं? सलाम साहब। अच्छा सज्जन, अरे अरे साहब के लिए कुछ। यहाँ एंथनी कौन है? एंथनी नहीं, इधर कोई नहीं है साहब। वो बाजू के मामले में होगा, तुम इधर ठहरो, अपन अभी देख के आएंगे। मैंने तुम्हें कहीं पहले भी देखा है। ऐसा क्या? जरूर देखा होगा साहब, अपन बहुत फेमस आदमी, बड़ा बड़ा पेपर में अपन का छोटा छोटा फोटो छपता है, लकी मैन। इस बुढ़िया को मैंने खून दिया था, उसको तुमने भी तो खून दिया था, तुम्हारा नाम ही तो एंथनी है ना? हाँ साहब, पर अपन खाली एंथनी नहीं है, साथ में एक तो गोंजाल्वेस भी लगेला है, एंथनी गोंजाल्वेस, ऐसे बोलने का था ना साहब? हाथ मिलाओ। नहीं, तो टाइम हो गया। रॉबर्ट कहाँ है? रॉबर्ट कौन? रॉबर्ट, ओ वो फास्ट बॉलर एंडी रॉबर्ट। अरे साहब, मैच खत्म हुआ, वेस्ट इंडीज चला गया, अपन से साला मिलके भी नहीं गया। अच्छा साहब, देखो साहब, अपन को इस मोहल्ला में 22 इयर्स हो गया,
अपन एक से एक साहब को पहचानता है, बड़ा से बड़ा साहब को सलाम करता है, तुमको भी सलाम किया। अनाजुन तलक अपन को कोई ऐसे नहीं पकड़ा, तुम फर्स्ट एंड लास्ट आदमी है। बताओ रॉबर्ट कहाँ है? देखो साहब, अपन तुम्हारा वर्दी के वजह से इधर चुप बैठे ला है, नहीं तो माइक कसम तुम्हारी जगह कोई और होता तो हॉस्पिटल का खटिया पकड़ लिया होता। ओ, तो अपने मोहल्ले वालों के सामने रोब जमा रहा है तू? हाँ, यहां का दादा है तू? हाँ, और इस वर्दी की वजह से चुप बैठा है? हाँ, चल देखता हूं तेरे में कितना दम है। हाथ मिलाना पड़ा कि नहीं? कराटे भी आता है? तब तो कुंग फू भी आता होगा। साला, अपुन का भेजा खराब है, तुम्हारे साथ फाइटिंग करेगा? पहले बोला था ना साहब, ला हाथ मिला। ये पैंतरे बहुत पुराने हो चुके हैं। क्यों ब्रदर, ये पैंतरा तो नया है ना? नहीं, पुलिस पे अपन हाथ नहीं उठाएगा, पुलिस तो अपन का माई बाप। छोड़ दो इसे। क्या हुआ? अबे तू तो इस मोहल्ले का दादा है, चलो उठ। देख, सब लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे तेरे बारे में। हे पार्टनर, ये पिटाई में भी 50-50 आ जाना। देख, अपन जाता है, तेरा संभालना, इज्जत का सवाल है। उठ। लेके आया ना अपुन को, पर चीटिंग से लाया इंस्पेक्टर। जीसस, अरे बापे, बहुत दुख है रे। इंस्पेक्टर साहब, अपुन अपना लाइफ में इतना मार कभी नहीं खाया। अरे अपुन तो अकेला 10-10 को घुमाया, कोई टच करने को नहीं सका। तुम अपुन को 10-10 मारा, अपुन तुमको सिर्फ 2 मारा। पर बुलेट मारा कि नहीं है? है कि नहीं है? अरे हाँ बोलना। शट अप विल यू।
तुम्हारी यहां बकबक नहीं चलेगी, समझे? अमर बेटे देखो, आज मैं तेरे लिए तेरी पसंद के फूल लाई हूं। बहुत अच्छे फूल है माँ, लेकिन तुम ये रोज रोज तकलीफ क्यों करती हो? तकलीफ कैसे बेटे? अरे ओ भाई, अरे ये तो एंथनी की आवाज है। Then what? अरे इतना सॉलिड आवाज और किसी का हो सकता है क्या? बहुत मारा मेरे को। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे लॉकअप में बंद कर दिया है माँ जी। लेकिन बेटे ये तो बहुत अच्छा लड़का है, इसने भी मुझे अपना खून दिया था, ये भी मेरे बेटे के समान है जैसे कि तू। ए माई ये क्या बोलता है माई, ये भी तेरा बेटा, अपुन भी तेरा बेटा, ये हिसाब से तो अपुन दोनों भाई भाई होना मांगता क्यों ब्रदर, है कि नहीं? हैं? अरे अभी तो हाँ बोलना। अमर बेटे इसे छोड़ देना। माँ जी ये, अरे नहीं ये अपुन को छोड़ने बोलने वाला नहीं है, अगर अपुन इसका सगा भाई भी होता तो भी नहीं छोड़ता। बहुत कड़क है भाई, बहुत कड़क। ऐसा नहीं है ये। अरे हवलदार एंथनी को ले जाओ, कोर्ट का टाइम हो गया। भाई माई देख, अपन पहली बार पुलिस स्टेशन आया, तुम अपन को इंस्पेक्टर का भाई बनाया, आज अपन पहली दफा कोर्ट में जाता है। एक फूल देगा गुडलक के लिए, क्या है उधर जाके इसका माफो कड़क आदमी मिलेगा ना, तो अपन इसको ये फूल दे करके अपन उसको अपन का बाप। माई थैंक यू माई, भगवान तुझे सुखी रखे। चलो भाई। एंथोनी कहां गया? पट्टी खोल दो। अरे भाई अपन को किधर लेके आया है? आप कौन है माई बाप? माई नहीं, तुम्हारा बाप। अरे अपन का अगर तुम्हारा शरीर का बाप होता तो साहब कौन बाप का हिम्मत है कि अपन को इधर पकड़ के लाता, बोल है कि नहीं? ये लो साहब। ये क्या है? अपन माई को बोला था कि अगर अपना भी कोई बाप निकला तो उसको ये रोज फ्लावर देगा। ये लो साहब। कुछ खाओगे? Why not? अगर बाप खिलाएगा तो बेटा ऑफ कोर्स खाएगा। रॉबर्ट कहाँ है? आई, तुम तो पूछो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मेरे को पूछते? हाँ तुम्हारे से। अरे 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 भगता का को भाई, अपन तो खाली माँ का आशीर्वाद लेने को जाता है, ये देखो। छोड़ दो इसे। साहब आप भगवान को मानता है? अपन भी बहुत मानता है, अपन तो बहुत मानता है साहब, बहुत मानता है। अपन सब धर्म को मानता है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, चर्च जाता है, गुरुद्वारा जाता है, पर कभी कभी मिस्टेक हो जाता है साहब, तो थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन भी माता टेक आता है। अभी अपन चुपचाप बैठे। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, रॉबर्ट कहां है? रॉबर्ट एक्टिंग मत करो और सीधी तरह बताओ, वरना मेरे आदमी जबरदस्ती जबान खुलवाना भी जानते। अरे नहीं साहब, जबरदस्ती क्या को करना, अपन तुम्हारा नमक खाया बेमानी करेगा साहब। ये रॉबर्ट इधर तो भी होता पर याद नहीं आता साहब, खोपड़ी काम नहीं करता, थोड़ा हवा खा गया था साहब। बैठे रहो, बाहर जाने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें यहीं हवा खिलवाएंगे। उनको बिठाओ, मैं अभी आता हूं। सुनो इसे अच्छी तरह से खाना खिलाओ,
और उस वक्त तक खिलाते रहो जब तक के ये रॉबर्ट का पता ना बता दे। हे, आता है, आता है। अभी तो अपन का भूख भी मर गया है। थोड़ा हवा आंदो ना। इतने सारे लोग अगर तुम्हारे बीच में से मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम शहर का कोना कोना छान मारो मगर उसे कहीं से मिले क्या? यू अंडरस्टैंड? आई वॉन्ट आंसर इट। तुम यस ब्रदर इसको बराबर से बंद करो। सब कैदी लोग अपन माफक शरीफ नहीं होता है। एंथनी तुम ब्रदर अपन को लगता है अपन फालतू के लफड़ा में फंस गया। इधर आता है तो तुम पूछता है कि रॉबर्ट किधर है, उधर जाता है तो बड़ा बड़ा गैंगस्टर पूछता है रॉबर्ट किधर है। ये चक्कर क्या है? किस गैंगस्टर की बात कर रहे हो तुम? अपन को क्या मालूम वो कौन था? अपन तो उसको होल देके इधर भाग आया। ताओ एंथनी, जब तुम यहां से भागने का मौका मिला तो तुम यहां वापस क्यों आ गए? देखो ब्रदर, अगर अपन इधर वापस नहीं आता तो तुम्हारा नौकरी खतरे में पड़ता। पड़ता कि नहीं? फिर माँ जी अपन को बोला कि तुम और हम उसका बेटा के माफिक, इसका मतलब तुम और हम भाई भाई है कि नहीं? एक भाई दूसरे भाई को कैसे चीटिंग कर सकते? एंथनी एक बात बताओ, बोलो। एक तरफ तुम अपन को भाई कहता है और दूसरी तरफ तुम उस मुजरिम का पता बताने से इनकार करता है जिसने हमारे साथ पर गोली चलाई। तुम कैसे भाई है? क्या बोला? रॉबर्ट तुम्हारा साथ पे गोली चलाए? इसका मतलब वो अपन को छुप बोला? चलो ब्रदर, अपन आपको बताता है रॉबर्ट किधर है। चलो भाई, रॉबर्ट अपने को धोखे से मार के भाग गया। तुम उसको रोका क्यों नहीं? I'm sorry brother. What sorry? तुम जानते हो तुम्हारी गलती की वजह से एक मुजरिम पुलिस के हाथों निकल गया। मिस्टेक, अपन का मिस्टेक हो गया बंदा। वो अपन को बोला नहीं कि वो पुलिस पर गोली चलाए, नहीं तो अपन उसको, तुम मांगता तो तुम अपन को इससे अंदर बंद करने। अगर पुलिस ने एक महीने के अंदर उसे गिरफ्तार नहीं किया तो मैं तुम्हें दोबारा अंदर बंद कर दूंगा। इसलिए अपनी खातिर तुम अभी से उसे ढूंढना शुरू कर दो, समझे? मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम्हारी यही हरकतें रहीं तो एक दिन इस घर में पुलिस जरूर आएगी। yes, मैं जिस काम को तुमको मना किया तुम उसको किया, नुकसान उठाए ना। yes, अब जो मैं कहूंगा मानोगे? yes, जो कहूंगा करोगे? yes, father. तुम फौरन शादी कर लो। yes, father. No, father. शादी नहीं, ये नहीं करेगा। तुम और कुछ भी करने को बोलेगा करेगा, लेकिन शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तेरे उल्टे सीधे धंधे बंद हो जाएंगे इसलिए। पर किससे करेगा फादर? कोई अपन का टक्कर का छोकरी मिलने को मांगता ना। क्या मतलब? आई मीन फादर जिसे देखकर मन का वायलिन ऑटोमेटिक बजने को चालू हो जाए, दिमाग का घंटी बजने लगे टिंग टोंग टिंग टोंग, ऐसा लगना मतलब फादर जैसे जन्नत का परी प्लेन में उड़कर मेरे दिल के एयरपोर्ट में लैंड कर रही हो। आप अपनी बेटी को पहचानोगे कैसे? बहुत आसान है, वो लंबा कोट और काली टोपी वाले आदमी को देख रहे हो और जिस लड़के से बात कर रहे हो उसे अपने साथ ले जाएगा, वही मेरी बेटी है। वेलकम होम। मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारे मरहूम डैडी का दोस्त अंकल।
Come, my child, come. Jenny, come my daughter, come now. Hello, Hello Jenny, welcome home. Uncle, ये सब क्या था? ये सब नाटक था, तुम्हें बचाने के लिए. मुझे बचाने के लिए? हाँ, आओ. ये जो आदमी अभी यहाँ से गया, यही तुम्हारे बाप का कातिल है, और तुम्हें भी किडनैप करने आया था. बैठो, मैं रास्ते में बताता हूँ. Come on, driver. आज से 22 साल पहले 15 अगस्त को मैं इसी आदमी से जान बचाकर भाग रहा था. मेरे तीन बेटे मेरे साथ थे, उनको बोरीवली पार्क में छुपाकर मैं भागा. इन लोगों ने मेरा पीछा किया. मैं किसी भी तरह इनसे जान बचाकर जब वापस पहुंचा तो वहां कोई नहीं था. मेरे तीनों बेटे मुझसे बिछड़ गए. I'm sorry, uncle. भगवान ने चाहा तो आपके बेटे आपको जरूर वापस मिल जाएंगे और उस आदमी को अपने किए की सजा मिल जाएगी. चलो यार, चुपचाप खड़े रहो, कोई हिलेगा नहीं. मेरी जिंदगी खतरे में है, चुपचाप खड़े रहो. शाबाश रंजीत, तुमको अपने गैंग में शामिल कर रहे हमने बहुत बड़े अकलमंदी किया. ये तो कुछ भी नहीं डॉक्टर साहब, ये मेरी बहादुरी का सिर्फ एक नमूना है. तुम जानते हो इसने लाल किस भेजे हुए तोहफे के साथ हमें क्या सलूक करना है. ले जाओ, ले जाओ. नहीं, नहीं, माय गॉड. और वो है जिदिस को. हाय. Fantastic muscles. आज से ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है, जहां तुम जाओगी तुम्हारे साथ जाएगा. आपका
योर पर्स? जी नहीं, ये मेरा नहीं है। आपका नहीं है? नहीं। तो फिर ये किसका है? जाएगा। ओह मैम, यू कैन हैव योर पर्स। आउट। थैंक यू। मिस। अब क्या है? जी नहीं, ये भी मेरा नहीं है। नहीं, ये अपन का है। रख लो, तुमको बहुत सूट करेंगे। थैंक यू। मिस। यस, नाउ व्हाट? आज ईस्टर है तो मैं तुम माय नेम इज एंथनी। हेलो एंथनी। हेलो, आज ईस्टर है तो व्हाट इज योर नेम प्लीज? माय नेम इज जेनी। जेनी, टुडे इज ईस्टर तो तुम अपुन के साथ में वहाँ डांस करने को चाहिए? आई एम सॉरी, मैं किसी और के साथ कैथलिक जिम करना जा रही हूँ। नेवर माइंड, चलो तुम इधर से जाना नहीं है। एक मिनट, हम अभी आता है। एक मिनट, जाना नहीं है। फादर, तुमको हमारे साथ क्या हुआ? वो अपन ने बोला था ना हमारा माइंड का घंटी का बजा, वो बज गया। फादर जल्दी करो, फादर तू कहाँ ले जा रहा है मुझे? अरे फादर, ऐसा ब्यूटीफुल लड़की हमने अपना लाइफ में नहीं देखा। चलो जेनी, जल्दी चले। लेकिन नो नो नो, प्लीज प्लीज कम। चलो तो सही, प्लीज फादर प्लीज, हरी अप कम क्विकली। देखो ये किधर गया? अभी अभी तो इधर था, लेकिन वन मिनट फादर, you see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own babasate. What? My name is Anthony Gonsalves. What's that? This? Right. My name is Anthony Gonsalves. Main duniya mein akela hu. Dil bhi hai khali, ghar bhi hai khali. इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली, आए जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस। रियली? राइट राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ। Such extenuating circumstances coerce me to preclude you from such extravagance. What? अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है, अरे देखी है, आज देखी है। अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है जो मुझे इशारे करती है, पर किसी से शायद डरती है, और डरती है, हाँ डरती है। प्यार करेगी क्या डरने वाली, मेरी बनेगी कोई हिम्मत वाली। तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस। ओह माय, राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ। You see, the coefficient of the linear is juxtaposition by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.
Excuse me, please. My name is Anthony Gonzalez. Oh, right. मैं दुनिया में अकेला हूँ. दिल भी है खाली, घर भी है खाली. इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली. और जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए. जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए. रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420. Excuse me, please. Oh, yes! Anthony Gonzalez! I'll kill this man, you leave me! Wait, and come on, if you go, you jerk! Come on! Come on, I tell you, what are you hiding your face for? Come on, that's good. Yeah? Huh? Come on, man! Come on! That's the way Anthony Gonzalez. Come on! That's not the way, I show you. You leave me, I'll show this guy. You leave me, Jerry, I'll show this. तेरे को हम इसका वास्ते ही बोल देते हैं कि दारू मत पी दारू खराब चीज है. तू अगर दारू नहीं पियला होता तो क्या वो जाया तेरे को मारने को सकता? और तू खुद बोल तेरे को मारने को सकता हा? अरे एंथनी भाई, तुम अकेला ही 10-10 आदमी को मारने को सकता है, पर तुम अपन का सुनता ही किधर है? किधर ही सुनता है? देख अपना थोपड़ा आईने में जाके देख, कितना मारा तेरे को, कितना मारा. पक्का इडियट दिखता है, इडियट. अभी तुम खड़ा रहने गए, थोड़ा दवाई लगाएगा मिलने का नहीं. Excuse me. Hey, इधर क्या हुआ भाई? खड़ा रहने का है. Study. Like mine. ये तो चलेगा. हाँ,
लेकिन चिल्लाने का नहीं क्या, अब उनका गुस्सा बहुत ज्यादा है, चिल्लाने का नहीं। जलता है ना? वो तो जलेगा ही, इसीलिए तेरे को बोला है दारू नहीं पीने का है, दारू बहुत खराब चीज है। चलो अभी तेरे को बैंडेज लगाएगा। कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करने का, ठीक है? बिल्कुल नहीं करने का। ओके अच्छा भाई, अभी अपन सोने को जाते हैं, नहीं तुम भी जाओ हम भी जाते हैं। नाइट। फादर, मैं कन्फेस करने आई हूँ, मेरी वजह से बेचारे एंथनी को बहुत मार पड़ी। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। I think Do you love me? You? Yes. तुम यहाँ कन्फेशन बॉक्स में क्या कर रहे हो? आप उन्हें इधर सफाई कर रहा था, तुमको देखा तो सुनने का चांस ले लिया। लेकिन किसी और का कन्फेशन सुनना पाप है। हम अपन के पार्टनर से माफी मांग लेगा। जेनी, आई नहीं, इधर नहीं, फिर किधर? लेकिन उधर तो ज़िविस्को है। तुम उस जाड़ियों को एवरी टाइम अपने साथ लेकर क्यों घूमता है? क्या करूं, ये मेरा बॉडीगार्ड है। नहीं, आज से अपन तुम्हारा बॉडीगार्ड। सच बोला है वो, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? बोलो तो जिए, बोलो तो जाए।
की डोर बंधी है। चुप चुप संग डोलो, तेरे संग जीवन की डोर बंधी है। मैं सपनों का सागर, तू प्रेम नदी है। अब तक छुपाए रखा शोला, दबाए रखा, अब तक छुपाए रखा शोला, दबाए रखा। चांद चकोरी जो दुनिया में, राम कसम तू रहे दिया में। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करूं। बोलो तो जी, बोलो तो मर जाए। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करूं। दिल में दिल पर तू रहता है, खुदा गवाह हम सच कहता है। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। बोलो तो जी, बोलो तो मर जाए। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। शायर हूँ, मेरा है वास्ता हसीनों से। तेरी फुर्कत में मैं सोया नहीं महीनों से। नहीं करती ये बातें परदा नशीनों से, तेरे बाजार छोड़ो छेड़ में जबीनों से। हे, अब तक छुपाए रखा शोला, दबाए रखा। अब तक छुपाए रखा शोला, दबाए रखा। हमेशा रूठा रहता है, खुदा का हम सच कहता है। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। बोलो तो जी, बोलो तो मर जाए। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। बोलो तो जी, बोलो तो मर जाए। हमको तुमसे नीचे आ, नीचे आ, जल्दी नीचे आ। देखा नहीं मैंने कैमरा क्यों लिया है? आज नहीं आ सकती, अप्पा चल घर में, ये फोटो खींचने से मैंने कल कर लेना। हा? अरे अप्पा चल, कुमार गोलियां नहीं आना, मैं कह रहा हूँ। सलमा आए अब्बा, सुनो कल मिलेंगे, खुदा हाफिज। अरे सलमा, सलमा अरे कल किसने देखा है? आजकल ये दुनिया में इश्क भी तो ये मुसीबत कहां से चली आई? अरे बिजली, तू क्यों यहाँ चली आई? बहुत दिनों से ये चांद सा मुखड़ा कोठे को चमकाने नहीं आया, इसलिए मैं खुद दीदार करने चली आई। अच्छा, तो बुढ़ाओ भी दिल फेंक है। हाँ भी तो फौरन यहाँ से चली जाओ, नहीं तो कहीं किसी ने देख लिया तो मेरा फजीता हो जाएगा। बेटी नहीं तो चलो बुढ़ाओ की खींचते हैं क्या? तो फिर चुपके से 6 महीने का खर्चा ढीला करो, वरना खड़े खड़े इस फरिश्ते को शैतान बना दूंगी। अरे लगता है बिजली कड़की। कड़की तो नहीं, जिस दिन ये बिजली कड़की ना, सारी वखार को जलाकर राख कर देगी मियां। ऐसा मत कहो बिज्जू, अब तुम यहाँ से चली जाओ, मैं फौरन पैसे भिजवा दूंगा। बेहतर होगा,
आधा बजे आधा बजे या बली प्यार का दुश्मन हाय हाय मेरी जान का दुश्मन हाय 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 कैया बली प्यार का दुश्मन हाय हाय मेरी जान का दुश्मन हाय 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 लड़का और लड़की दादी फिर भी ना माने दादी लड़का और लड़की दादी फिर भी ना माने दादी ये जिद ना छोड़े मेरे दिल को तोड़े ये बनने ना दे मेरी सलमा को मेरी दुल्हन अय्या बली प्यार का दुश्मन हाय हाय मेरी जान का दुश्मन हाय 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 लड़का और लड़की दादी फिर भी ना माने दादी ये जिद ना छोड़े मेरे दिल को तोड़े ये बनने ना दे मेरी सलमा को मेरी दुल्हन अय्या बली प्यार का दुश्मन हाय हाय मेरी जान का दुश्मन हाय 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 और न समझे हाँ लकड़ी बेचे और न समझे लड़की के अरमानों को मोटा सेच तराजू में तोले हाँ तराजू में तोले छोटे इंसानों को हो जाए बुढ़ा अल्लाह को प्यारा कर लो शादी खाना आबादी सुलझ जाए पल में मेरी बरसों की उलझन अय्या बली प्यार का दुश्मन हाय हाय मेरी जान का दुश्मन हाय 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 बरस की उम्र में ऐसे चेहरा किसी का खिलता है हाँ चेहरा किसी का खिलता है हमको है मालूम किसी से किसी से किसी से चुप कर ये भी मिलता है मैं नाम बताऊं ना 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 जी तस्वीर बताऊं ना जी ना जी ना जी चर गया वो कैसे बाजार में ऐसे शरीफों को हम रुसवा नहीं करते मियां जुम्मन अय्या बली प्यार का दुश्मन हाय हाय मेरी जान का दुश्मन हाय हाय लड़का और लड़की फिर भी ना माने ये जिद ना छोड़े मेरे दिल को तोड़े ये बनने ना दे मेरी सलमा को मेरी दुल्हन अय्या बली प्यार अकबर ये गम खून चला तैयार बाली सेठ तुम मेरा फ्रेंड अकबर को मवाली लोग से मार खिला बॉल हाकी नहीं हाँ किधर
लट। अरे ये मुझे चिंता कर चले जा रहा है लल्लू। अरे कोई खबर करो सलमा बेटी, पुलिस को खबर कर दो, कर दो। अरे आइता आई, उतरना नहीं। हाँ नहीं पुलिस, चल रहे हैं। अरे पुलिस, अरे जल्दी से पुलिस को फोन करो। अरे देखते जाओ कम वक्त, पुलिस को फोन करो। चल अकबर उठ, अपन तेरा ससुर और एक काजी साहब को पकड़ के लाया। अभी तेरा और सलमा का शादी बनाएगा, अभी इसी वक्त फटाफट। चले काजी साहब स्टार्ट हो जाओ। अरे लंबू भाई मेरी एक बात तो सुनो। हाइट टिंगू, तुम्हारा हाइट कितना है? हमारा हाइट 4'4" ही। माई कसम एक हाथ मारेगा 2'2" कर देगा। मगर क्या आवाज नहीं, आवाज नहीं मांगता। हाँ चल अकबर उठ जा। नहीं अंतुली भाई, मैं आज से शादी नहीं करूंगा। अरे क्या भंगस करता है रे ये काजी साहब, दूसरे लोगों का शादी करता होता, अपन इसको उधर से उठा के लाया। उठा के लाया कि नहीं काजी साहब? बस इसीलिए तो नहीं करनी, चाहता तो मैं भी हाथ उठा सकता था, लेकिन मैं मार पिटाई से नहीं अंतुली भाई, प्यार मोहब्बत से इंसान को जीतना चाहता हूँ। तुम ये फिलोसफी और शराफत का बात अपन के सामने मत करो। अपन बहुत सुना, अखा जन्म चर्च में सुनता रहा है। तुम अभी बोलो, आप उनको क्लियर बोलो शादी करने का है कि नहीं? जब तक ये अपनी बेटी का हाथ अपनी मर्जी से मेरे हाथ में नहीं देता तब तक तुम्हें नहीं करूंगा। अरे इसका क्या, एक लाफा मारेगा अभी राजी हो जाएगा। क्यों रे, क्या बोलता है रे? देख देख अपन तेरे को लास्ट चांस देता है, उठता है? नहीं बोला ना। तुम अक्का जिंदगी ऐसे ही सरता रहेगा ऐसे ही। और ये टिंगू है ना, ये टिंगू अपना लड़की का शादी किसी और के साथ करेगा। फिर अपन के पास आके मत बोलना कि एंथनी भाई अपन मोहब्बत में लुट गया, बर्बाद हो गया, नहीं तो अपन तुम्हारा थोबड़ा बात कर देगा, समझा? और आज के बाद अपन से बात नहीं करने का है। गो टू हेल। ए टिंगू चलता है, अपन को कंट्री में कोई इज्जत ही नहीं है। ये क्या बदतमीजी है, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं, हटो सामने से। कहां जा रही हो? इट्स नन ऑफ योर ब्लडी बिजनेस, तुम कौन होते हो पूछने वाले? किससे मिलने जा रही हो, उसी लफंगे एंथनी से? मुंह संभाल कर बात करो जिबिस्को, तुम सिर्फ मेरे बॉडीगार्ड हो। यही तो मैं भी कहता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, सारी जिंदगी तुम्हारी बॉडी को गार्ड करता रहूंगा ताकि तुम्हारी जिस्म को मेरे सिवाय कोई छू ना सके। क्या बकते हो? बकता नहीं, ठीक कह रहा हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी। You bastard! अगर ये लोहा होता तो मुरोड़ के फेंक देता। Get inside! हेलो, मुझे रॉबर्ट से बात करनी है। सर? यस। आपका फोन। रॉबर्ट स्पीकिंग। मिस्टर रॉबर्ट, तुम्हारी बेटी मेरे पास है। कौन हो तुम? सवेस्को, तुम तुम्हारी बेटी के लिए क्या कीमत दे सकते हो? मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी बेटी का हाथ मेरे हाथ दे सकते हो तो इसी शर्त पर तुम्हें तुम्हारी बेटी मिलेगी। मुझे मंजूर है। तो फौरन 325 सिल्वर बीच पे पहुंच जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जैनी कहाँ है? अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है सर। बॉयफ्रेंड? जी हाँ, एक है जिससे वो छुप छुप कर मिलती है। सर ग्रेसी साथ में गई है। जैनी के बॉडीगार्ड तुम हो या ग्रेसी? सॉरी सर। आइंदा ऐसी गलती ना हो, समझे? जी। जबेस्को, टिंग अप 532859।
जेनी। लगता है वो लोग आ गए। कमान कमान जल्दी आओ, चल आओ सब लोग। ओ माय गॉड, चलिए चलो एक बाइक, कम ऑन जल्दी चलाओ। लगता है पिच्छू वाला बहुत स्पीड में आ रहा है। ऐसा तो गाड़ी आदमी लाइफ में दो ही टाइम भगाता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का के। जेनी, जेनी, जेनी मालूम पड़ता है तुमको तो सुबह शाम उठते बैठते जेनी नजर आता है और कुछ नहीं दिखता क्या? हाँ हाँ आई जेनी। जेनी मैं मौका देखकर जहां भी गाड़ी रोकू तुम फर्म उतर कर भाग जाना। लेकिन अंकल आप, तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं इनसे निपट लूंगा, जैसे कहता हूँ वैसे करो। एक बार, अरे तू उधर सवाल हम जनी को लेके जाता है, ओके? ठीक है राजन, चलो। Thank you.
सॉरी, यहाँ कोई बेड खाली नहीं। खाली नहीं? वो बेड नंबर 102? वो तो अकबर इलाहाबादी का है। अकबर इलाहाबादी मैं हूँ, 2 घंटे पहले बेड खाली कर चुका हूँ। आप? जी, देखिए इनकी हालत बहुत खराब है, आप आगे जल्दी एडमिट कीजिए। क्या नाम लिखो? नाम इनका नाम लिखिए किशन लाल। हाँ, जो किशन का बच्चा फिर हमारे हाथ से निकल गया, ना जाने मेरी बेटी मुझे कब मिलेगी। कौन बड़ी रॉबर्ट, यानी आज नहीं तो कल मिली जाएगी, लेकिन उसके साथ मेरी शादी का प्रॉमिस याद है? रॉट रॉट, मैं कोई प्रॉमिस याद नहीं रखता हूँ। अरे वाह, इतनी जल्दी आप अपने प्रॉमिस भूल गए? हर कोई बात नहीं, आज मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलाऊंगा जिसे देखकर आपको सारे प्रॉमिस याद आ जाएंगे। मिस्टर रॉबर्ट, कौन है वो? हेल्प रॉबर्ट, तो तुम्हारे आदमी मुझे यहाँ लाए? ना अल्बर्ट, मैंने कुछ नहीं किया। आई स्वेयर माई ब्रदर। डोंट कॉल मी योर ब्रदर, आई हेट यू। हम एक ही माँ बाप के बेटे जरूर हैं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह खूनी और स्मगलर नहीं, मैं एक इज्जतदार आदमी। लेकिन ये तो 10 साल से विलायत के नेशनल बैंक में मैनेजर है, यहाँ कैसे आया? आओ मैं बताता, तुम्हारा भाई बेचारा ऑल बैंक कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ आया था, अचानक मुलाकात हो गई, तब से यहाँ हमारे गेस्ट। देखो रॉबर्ट, पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है, और अगर तुम पकड़े गए फांसी का फंदा तुम्हारे गले लग जाएगा। इससे बचने के लिए एक ही रास्ता है, जेनी की शादी मुझसे करवा दो और तुम एल्बर्ट बनकर लंदन चले जाओ। Leave me alone, I said, leave me alone! एल्बर्ट का क्या होगा? एल्बर्ट का? एल्बर्ट का देखभाल मैं कर लूंगा। और सुनो, किशनलाल जरूर किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होगा, उसी से पता चलेगा कि जेनी कहाँ है। अकबर बेटे, अरे यहाँ का मरीज कहाँ गया? ऑपरेशन के लिए ले गए हैं। ऑपरेशन के लिए? लेकिन मैं तो उसके लिए दरगाह के फूल लाई हूँ। ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? वो सामने। किशनलाल, अतला मेरी बेटी कहाँ है? बोलो नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। नो सर, ये इस तरह होश में नहीं आएगा। डॉक्टर हो, इस जल्दी होश में लाओ, जल्दी जल्दी। ये है इसकी शक्ति, उसे अब तक बचाती रही है। डॉक्टर साहब, मैं मरीज को ये दरगाह के फूल देना चाहती हूँ। दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए, जल्दी करो। कमाल कमाल, डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मुझे मरीज को पूजा के फूल देने हैं। जाओ देखो कौन है, चलो चलो, भगवान के लिए दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। मरीज की हालत खराब है। किशनलाल की बीवी है, अब मेरी बेटी मुझे मिल जाएगी, इस अपने साथ ले चलो। तुम चुप बैठो रंजीत, गाड़ी मोड़ो ना आगे से, चांद देखो, चुप बैठो, गोली मार देगा तुमको। कहां टूटी हुई तस्वीर
बनती है तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से आई है लब पे बन के कव्वाली शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली लब पे दुआए आंखों में आंसू दिल में उम्मीदें पर झोली खाली शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली दर पे सवाली आया है दर पे सवाली बाबा शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली की दुनिया दुनिया है गुलशन सब फूल काटे तू सबका मालिक भगवान तुझमे खुदा की शान तुझमे दिखे भगवान तुझमे तुझे सब मानते हैं तेरा घर जानते हैं चले आते हैं दौड़े जो खुशकिस्मत है थोड़े ये हर राही की मंजिल ये हर कश्ती का साहिल जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला जिसे सबने निकाला की रातें रातें
बाबा, अब मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ बाबा, मैं तुम्हारे दर्शन कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे दर्शन कर सकती हूँ बाबा। हाँ भैया। बेटा, तू अकबर है ना? हाँ माँ जी। अकबर, आज तेरी भक्ति और बाबा के चमत्कार से मुझे आंखें मिली, अब मैं तुझे अच्छी तरह देख सकती हूँ, अच्छी तरह देख सकती हूँ। लेकिन आपकी हालत माँ जी, ये बेटा, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, बड़े मुश्किल से बच के आई हूँ। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, आइए मेरे साथ आइए। अब्बा, अब्बा आइए माँ जी, माँ जी ये मेरा अब्बा जान है, और अब्बा ये वही फूल वाली माँ जी है जिनका मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ। जानती हो अब्बा, आज ये करिश्मा हुआ, आज बाबा की मेहरबानी से माँ जी को अपनी आंखों की रोशनी मिल गई। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आप आज से करीबन 22 बरस पहले मुझे सड़क पर जख्मी हालत में मिली और फिर मैं ही आपको घर छोड़ने गया, याद है ना आपको? वो आप थे? हाँ बहन, याद है वो काली रात, उस काली रात को मैं कैसे भूल सकती हूँ जिस रात को मैंने अपने पति और तीनों बच्चों को खोया था। और हाँ, उस रात को आपको भी एक खोया हुआ बच्चा मिला था, अब तो काफी बड़ा हो गया होगा। अब्बा जान की मोहब्बत और आपकी दुआओं से वो काफी बड़ा हो चुका है माँ जी। अब्बा जान उसे प्यार से अब्बू कहते हैं, आप उसे बेटा, और दुनिया उसे अकबर इलाहाबादी के नाम से जानते हैं। राजू, ये तस्वीर, ये तस्वीर मेरी है माँ जी। तुम्हारी? लेकिन लेकिन ये तस्वीर तो मेरे छोटे बेटे राजू, राजू की है। जी, आपका बेटा? हाँ, मेरा राजू। वाह रे परवरदिगार, बहन इसे कहते हैं अल्लाह की शान, जब आंखें छीन ली तो औलाद भी छीन, आज आंखें लौटा दी तो औलाद। क्या यही मेरा राजू है? राजू, राजू अम्मी जान, हमने अपना काम पूरा कर दिया, चलिए। अम्मा बचाओ, शुक्रिया अदा करते हुए मुझे शर्म सी महसूस हो रही है। शुक्रिया किस बात का भैया सेठ, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन मुझे
जो पहले अपना फर्ज अदा कर देना चाहिए था, जो आज तक मैंने पूरा नहीं किया वो अब पूरा किए देता हूँ। खुदा तुम दोनों को सलामत रखे। आज कितना अजब दिन है, एक तो अब्बा जान राजी हो गए और दूसरा वो तुम्हारी फूल बेचने वाली बुढ़िया है ना, जिसको तुम अपनी माँ समझते हो, आज उसके शौहर हॉस्पिटल में एडमिट हुए। क्या क्या? हाँ, आज जिसको तुमने एडमिट किया वो उसके शौहर है। माँ माँ मा, क्या है बेटे? माँ देख माँ, इस छोटी सी डिबिया में मैं तेरे लिए सारे जमाने की खुशियां समेट कर लाया हूँ माँ। मगर इसमें है क्या? तो देख माँ, तो खुद ही देख ले। ये मेरे किस काम का बेटे? माँ ये मांग जो बरसों से उजड़ी हुई है ना, आज भर दो उसे। क्या पकता है तू? सच कहता हूँ माँ, मेरा सुहाग अभी तक सलामत है। क्या? मेरे पिताजी अभी तक जिंदा है माँ। हाँ माँ। तेरे पिता जिंदा है? हाँ माँ, जब तू हॉस्पिटल फूल लेकर आई थी ना, उस वक्त मेरा नहीं मेरे पिता का ऑपरेशन हो रहा था। सच? हाँ माँ, अब तो मांग कर देना। बेटा तू मुझे वहां ले चल, मुझे वहां ले चल। हाँ चल माँ, चल चल। किशन लाल जी वो तो चले गए। कब? आज सुबह उनका डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज करा के ले गया। आप बता सकती हैं कि वो गए कहाँ? मुझे नहीं मालूम। देखिए आपको कोई गलत फहमी हो रही होगी, मैं यहाँ लाया था। ओह कह दिया ना, वो चले गए। कहाँ गए होंगे? माँ अरे माँ तू घबराती क्यों है? एक काम कर तू घर जा, मैं पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट ले पाता हूँ। अच्छा क्या नाम है उनका? किशन लाल। कहाँ रहते थे? बांद्रा कोलीवाड़ा में। किशन लाल बांद्रा कोलीवाड़ा, नाम को जाना पहचाना सा लगता है जी। एनी वे तुम चलो, मैं पता लगाता हूँ। सलाम साहब। सॉरी सर, भूल होगी, माफ कर देना। भूल हो गई? कैसे हो गई? किशन लाल एक बार खून माफ कर सकता है, लेकिन किसी के बीवी बच्चों को भूखा मारने वाले को माफ नहीं कर सकता। मैं रॉबर्ट नहीं हूं। सर माफ कर, सर सर प्लीज सर। डायन मैं तुम्हारा कसूरवार हूं, मुझे माफ कर दो। ये लो, आइंदा से हर महीने पैसे देने में खुद आऊंगा। सब कुछ वही है, कुछ भी तो नहीं बदला, लेकिन हालात ने मुझे कितना बदल दिया। कल का किशन लाल इस बस्ती में अपने परिवार के साथ कितना सुखी था। किशन नहीं, किशन लाल रहा करता था। हाँ वही, वो सामने वाले मकान में। भगवान मेरा सब कुछ वापस ले ले, लेकिन एक बार मेरे बिछड़े बच्चे को मुझसे मिला दे। Thank you.
तुम्हें कैसे मालूम? ये पिस्टल यहां मट्टी में दबी हुई थी। आज से 22 साल पहले 15 अगस्त वाले दिन मेरे पिताजी ने मुझे ये पिस्तौल दी थी और अपने भाई से छिपाकर मैंने पिस्तौल यहां दबा दी थी। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? बाप की दी हुई पिस्तौल याद है और पिस्तौल देने वाला बाप याद नहीं। बेटे, मैं तेरा बाप हूं, किशन लाल। पिताजी, तेरी कमाई जो 20 साल पहले भगवान ने मुझसे छीन ली थी आज सूद के साथ वापस मिल गई। मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर बन गया है। लेकिन बेटा, तेरे साथ तेरे दो छोटे भाई भी छोड़ गया था। पिताजी, जो सबसे छोटा था वो आज सुबह ही मुझे मिला। और तीसरा ये थोड़ा एकदम ऐसा फिटिंग चाहिए हाँ। और इधर से जो नीचे जाता ना एकदम ग्रेसफुल माफिक होना चाहिए, रेनकोट की तरह नहीं। अरे अंतुली भाई, तुम क्यों फिकर करता है? अब्बा जान एकदम एक्सपर्ट है। ए, तुम चुप रहो। हाँ, तुम पहले कभी शादी किया नहीं, पीछे बोलता रहता है क्या? तुम पीछे बोलता रहता है। देखो, वो फ्रिल होता ना, फ्रिल वो गले के ऊपर ऐसे ऐसा ऊपर नीचे और ऊपर से लेके अप डाउन एकदम। अरे अकबर, जरा अपने दोस्त को अरे होना क्या था? आप लोगों को गाड़ी में जाता था, पिचूस ओवरटेक किया, एक घुमा कर दिया, साले का हाथ लगा पड़ गया रे। मैं बोला भाग जा रे। अच्छा अंकल, जाता है, जरा संभालना। अच्छा भाई, इज्जत का सवाल है, प्लीज। देखो फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम क्या अपने ना समझो भाईजान। ओके ओके अंकल भाई, चल रे। जल्दी आना। बस अभी गया टैक्सी में, बैंड बाजा लेके आता। आप लोगों के जाने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। कल का दिन मेरी जिंदगी का एक नहायत अहम और खुशी का दिन है। इस खुशी के मौके पर मैं आप लोगों को दावत देता हूं। आज से 22 साल पहले 15 अगस्त आजादी के दिन जब सब लोग खुशियां मना रहे थे, एक 3 बरस का मासूम लावारिस बच्चा बोरी विली चर्च की सीढ़ियों पर अपने हाथों में एक चिट्ठी लिए बेहोशी की हालत में मुझे मिला। इसे कोई छोड़ गया था। वो मासूम बच्चा हमारे लॉर्ड के साये और इस चर्च में पलकर जवान हुआ, जिसे आप सब लोग एंथोनी के नाम से जानते हैं। कल उसकी शादी इस खूबसूरत लड़की मिस जेनी से होने वाली है जो आप लोगों के बीच बैठी है। यस हेलो अंकल, मैं जेनी बोल रही हूँ, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम फोन कहाँ से कर रही हो? सेंट थॉमस चर्च से। कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकल। कॉन्ग्रेचुलेशंस किस बात के लिए? अंकल, आपने कहा था ना कि आज से 25 साल पहले आजादी वाले दिन आपके बेटे खो गए थे, उनमें से एक का पता मिल गया है। क्या? और आप ही के लड़के से मेरी शादी हो रही है अंकल। क्या कहा तुमने, फिर से बोलो। हाँ अंकल, और उसका नाम है जेनी। हेलो हेलो, ये क्या, कौन हो तुम? बेटे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुमको लेने के वास्ते आया हूँ। आप चलो मेरे साथ। तुम, आई डोंट बिलीव यू। यू मस्ट बिलीव मी डार्लिंग, आई एम योर फादर। छोड़ मुझे, बना में चिल्ला के लोगों को बुला लूंगी, छोड़ दो मुझे। जब इसको ये क्या कर रहे हैं आप लोग? तुम लोग जाओ, मैं भी आता हूं। जाओ। ये तुम जेनी को लेके कहां जा रहे हो? जाओ। ये खुदा का घर है, यहां चाकू नहीं चलते। मैं कहता हूं तुम बिल्कुल मत आओ फादर। हम चाकू छुरी से नहीं चलते। फादर, ओ लॉर्ड, फॉरगिव हिम।
बोलता है एंथनी भाई, बहुत हैंडसम लगता है, जरूर किसी का नजर लगेगा। आज से अपन दादागिरी, गुंडागर्दी, दारू का धंधा, जुगाड़, ये सब लफड़ा बंद कर देगा फादर, एकदम बंद। आज से अपन तुम्हारा माफिक एकदम सच्चा आदमी बनेगा। विश्वास नहीं होगा। अच्छा फादर, आज अपन फर्स्ट टाइम दिल से बोलते हैं। अरे आज तो हाँ बोलो ना फादर। नहीं फादर, फादर फादर, 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 ये सब कैसे हुआ फादर? कौन किया ये तुमको? नहीं फादर, तुम ऐसा नहीं जा सकता फादर। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं जा सकता फादर। हमको छोड़ के मत जाओ फादर, हमको वापस से अनाथ बना के मत जाओ फादर। प्लीज हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ना फादर, हमको छोड़ के मत जाओ प्लीज। सामने तुम्हारा घर में आकर के कोई फादर को, पर तुम चुपचाप देखते रह क्या? इस दुनिया से अगर किसी को बुलाने का था तो आप उनको बुलाने का था। अरे आप उनको उठाने का था। अब उनका इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। पर इसका जरूरत है, इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम छोटा एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। ऐसा ऐसा चिट्ठी साथ में ढलता है और चला जाता है। कौन पालता है उसको? कौन पालता है? ये पालता है। कल फिर कोई हमारा माफुक लावारिस बच्चा तुम्हारा चर्च के बाहर छोड़कर चला जाएगा तो कौन पालेगा उसको? कौन पालेगा? आज अपन तुमसे कुछ मांगता है, उसके बाद फिर कभी नहीं मांगेगा। हमको बताओ वो आदमी किधर है जो हमारा फादर को ये किया? किधर है वो आदमी? अगर तुम हमको नहीं बताएगा, हम तेरा कसम खा के बोलते हैं, हम तुम्हारा कसम खा के बोलते हैं कि हम इतना बुरा आदमी बनेगा, इतना बुरा आदमी बनेगा कि दुनिया का कोई भी ताकत हमको नहीं सुधार सकेगा। देख देख, हम तेरा कसम खाया, हमको बताओ वो आदमी कौन है? कौन है वो आदमी? Thank you.
लॉकेट पहचानता है तुम? ये लॉकेट तो मेरा है, तुम्हारे पास कहां से आया? मरता टाइम मेरे फादर के हाथ में होता, लेकिन इसे तो मेरे गले से रॉबर्ट ने छीना था। बाबा? हाँ, अपनी बेटी जेनी को मेरे कब्जे से पाने के लिए जब वो अस्पताल में मुझे टॉर्चर कर रहा था, ये लॉकेट उसी के पास रह गया। जेनी रॉबर्ट का बेटी? हाँ, मेरे सबसे बड़े दुश्मन की बेटी। तकदीर का खेल देखो, उसका बाप मेरे खून का प्यासा है और बेटी जिससे प्यार करती है, शादी करना चाहती है, वो मेरा खोया हुआ बेटा है। जिसके साथ जेनी शादी करने वाला है वो तुम्हारा बेटा है? हाँ, मुझे भी पता नहीं था। ये खुशखबरी आज ही जेनी ने मुझे फोन पर दी। कितना फर्क है बाप बेटी में। बाप की वजह से मेरी औलाद मुझसे बिछड़ गई और बेटी उस औलाद को मुझसे मिला रही है। अगर वो तुम्हारा बेटा है तो फिर ये चिट्ठी तुम पहचानता है? भारती, ये तो भारती की है, मेरी बेटी की। ये चिट्ठी तुम्हें कहां से मिली? कहां से मिली ये चिट्ठी? मैं पूछता हूं, ये चिट्ठी तुम्हें कहां से मिली? तुम्हारा बीवी है। अपन को याद नहीं, आज से 22 साल पहले हम चर्च के बाहर फादर को मिला था और वो बोला था कि वो टाइम पे ये चिट्ठी हमारे हाथ में होता। इसका मतलब तुम और उनका। मेरे बच्चे, आज मैं कितना खुशकिस्मत हूं, मेरे तीनों बेटे मुझे मिल गए। तीनों? हाँ, अमर, अकबर। अकबर? हाँ। हम जने का गाउन लेने आया, तैयार है? तैयार हो रहा है, लेकिन आप है कौन भैया? हम कोई भी हो, तुम्हें क्या मतलब? तुम जने का वेडिंग गाउन लाओ। दाल में कुछ काला है अकबर भैया, कुछ करो। क्या है कि थोड़ी सी काटछाट बाकी है, आप हमारे चाचाजान को साथ मिले जाइए, वो वहीं फिटिंग कर देंगे। क्या उनका जाना जरूरी है? बहुत जरूरी है। आप यहीं ठहरिए, मैं चाचाजान को तैयार करके अभी भेजता हूँ। यार, ये भाई का धोखा है। हाँ पहलवान, आराम से, कम से कम जोड़ा का ख्याल तो रखो। हम तुम्हारे दादा की उम्र के और तुम उन्नी भाई कहाँ है? आई जब इसका, ये किसको पकड़ ला? मैं पकड़ लाए? अब हम कोई भेड़ बकरी जो कहते हैं कहाँ से पकड़ लाए? दिखने में तो नहायती शरीर दिखते, लेकिन आप हैं बड़े बदतमीज। जी हम टेलर मास्टर है, टेलर मास्टर, अच्छों अच्छों की कटिंग कर देते हैं। आप हैं किस ख्याल है शरीफ में? शुक्र करो परवरदिगार का कि छोटे मियां चले आए, कहीं हमारे दो बड़े भाईजान चले आते तो कटाई सिलाई धुलाई सब साथ हो जाती। हाँ जाओ, तुम अपना काम करो। वाह अच्छा वाला, हम घर पे काम कर रहे थे, इनके बुला दो तो यहाँ है, बोलते जाओ अपना काम करो, हमारा क्या, हम चलते हैं। टेलर मास्टर, इसको कहते हैं पकड़, और आप कह रहे थे कि कहां से पकड़ लाए, गलत कह रहे थे ना आप। ऑलराइट ऑलराइट, जब इसका जेनी के पास ले जाओ, ले जाओ जल्दी, ले जाओ जल्दी, ले जाओ। बात की क्यों अब ये? अरे बेटी ठहरो ठहरो, हम तुम्हारा नाम तो ले लें। नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझे, मेरा नाम लक्ष्मी है, ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ पकड़ के लेकर आए। अच्छा तो इससे पकड़ कर लाए हैं, और मुन्ना कह रहा था कि हमें कहाँ से पकड़ कर लाए? चुप है, चलो। हमारी बात पकड़ में आई कि ये है वो असली पकड़। हाँ अच्छा बाबा, चलो सबको ही पकड़ो, लेकिन तभी भी हमसे पकड़ने की बात नहीं है। देखो टेलर मास्टर लाया हूँ मैं, उठो ये ड्रेस ट्राई करो, देखो फिटिंग ठीक है या नहीं, ये लो। मैं नहीं पहनूंगी, एक बार कह दिया ना मैं नहीं पहनूंगी, ये जाओ, चले जाओ यहाँ से। जेनी, देखता हूँ तुम चाहे कैसे ले देती। अमर लाहौल विला कुवत, तुम शादी करने आए हो या कुश्ती लड़ने आए हो? हैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते। देखो बेटी, इसकी बात मान जाओ, मैंने कह दिया ना चले जाओ यहाँ से। मेरे साथ खुसुर खुसुर मत करो, जो भी बकता है जोर से बको। बेटी हम तो कह रहे थे कि इससे सजीला और खूबसूरत नौजवान तुम्हें सारे जमाने में हथेली पर सूर्य रखकर ढूंढने पर नहीं मिलेगा। हाँ तो जाकर अपनी बेटी की शादी करवा दो इससे। तुम समझती क्यों नहीं, मैं अकबर हूँ। अकबर क्या? अकबर अकबर, अल्लाह हो अकबर, अल्लाह हो, तुम मरवाओगी मुझे, भरी महफिल में झूठे करवाओगी। चलो मुन्ने राजा, अब तो जरूर बजेगा तुम्हारा बाजा। लेकिन टेलर मास्टर, इस ड्रेस का माप आप नहीं लोगे? अब तो आंखों ने हर चीज भांप ली है, नाप माप की क्या जरूरत मियां। ए टेलर मास्टर, इधर जा रहे तुम?
हुजूर असल में ही ऑर्डर हमारे बड़े भाईजान का है, थोड़ी सी काट-छाट बाकी, उन्हें यहाँ लाकर फिटिंग करवा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, जब तक शादी नहीं हो जाता तुम यहाँ से जाएगा नहीं। क्यों, इस बुढ़ापे में आप हमसे क्या मुजरा करवाएंगे? हम आपसे आप कहते हैं, आप हमसे शट अप कहते हैं। सर पेड्रो का नंबर लग गया। अजी आप समझते क्यों नहीं, अगर कटिंग नहीं होगी तो फिटिंग नहीं होगी, अगर फिटिंग नहीं होगी तो वेडिंग नहीं होगी क्या? टेलर मास्टर, फिटिंग इधर होएगा, तुमको जो कुछ मांगता हूँ बाजार से मंगाएगा, बाजार से। अरे हजूर बाजार के सामान से तो बाजारी दर्जी सिलाई क्या करते हैं? हम तो माशाल्लाह खानदानी मियाँ खानदानी, हमारे पास अंग्रेजों के जमाने की मशीनें हैं और वाजिद अली शाह के जमाने की सुइयां, उसके बगैर हमारी उंगलियां हरकत नहीं किया करती। ऑलराइट बाबा, हम सब कुछ तुम्हारी दुकान से मंगाएगा, तुम लिख कर तो दो। पेड्रो, आई वांट पेड्रो ऑन द लाइन। हजूर एक दरखास्त है, एक एक दरखास्त। पेड्रो पेड्रो, हजूर एक कर्जे, एक कर्जे। पेड्रो पेड्रो, आप मुझे मौका तो दीजिए बात करने का। शट अप, हम आप कहते हैं बाबा, शट अप कहते हैं। शट अप पेड्रो। हाँ हाँ, रॉबर्ट बोलता है, कहाँ तुम मैन? मैं एक पादरी और एक बैंड वाले का बॉक्सर जरूर है। और तुम्हारी शादी है? माय गॉड, आर यू क्रेजी? अरे मेरा शादी नहीं, मेरा बेटी का शादी है। देखो तुम सबको लेकर मालाबार हिल पर नाज होटल उधर 5 बजे आओ, मेरा आदमी आएगा, सबको लेकर इधर आएगा, समझे तुम? रॉबर्ट मैं नहीं आऊंगा, मेरे आदमी पहुंच जाएंगे। तो इस बुढ़ापे में हमसे लिखवाओगे अभी? मैं ये खत उर्दू में इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ किसी को उर्दू नहीं आती, जेनी और लक्ष्मी खतरे में है, तुम फौरन अमर और अंथनी भाईजान को यह खत पहुंचा दो। आप जरा ठहरिए, मैं अभी सामान भिजवाता हूं। क्या हुआ अब्बाजान? जरा इसे तो पढ़ो बेटा। हाय अल्लाह, अब्बाजान आप फौरन अमर और अंथनी को खबर कीजिए, मैं संभाल के उसके साथ जाती हूँ। अरे तुम जा कहां रही हो बेटा, सुनो तो सही। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, फौरन जाइए। या परवरदिगार। चलो जी, सामान लेकर कहाँ चलना होगा? जी आपको नहीं, आप सामान हमें दे दीजिए, लाइए। अरे हटो नोच, सामान दे दो, ये सामान तो मुनी को देंगे। हाँ लेकिन आप है कौन? हम उनकी बेगम। हमें यहाँ आने की जरूरत क्या थी? हमारे मियाँ हमारे बगैर कटाई थोड़ी करते हैं, हम सुई में धागा डालते हैं तो ये सिलाई करते हैं, ये कैंची पकड़ते हैं, हम इनका हाथ थामते हैं, तब जाकर तो इनसे कटाई होती है। क्यों मियाँ, है ना? ठीक है जल्दी गाउन तैयार करो। और रंजीत मुझे तुम ये बताओ, अमर और अंथनी भाई को खबर की है नहीं? हाँ चाचा खबर लेकर चले गए। फादर। यस चिल्ड्रन। इधरों ने आप लोगों को भेजा है, आइए। हे, इनसे मिलो, ये हमारा प्यारा सिस्टर लक्ष्मी। आप ये है जेनी का ड्रेस, इसे फौरन तुम तैयार करो, और यह तुम्हारा ड्रेस, और ये तुम्हारी ब्राइड्समेड बनेगी, समझी? राइट। और सुनो, 10 मिनट के अंदर अंदर जेनी को तैयार करके तुम नीचे लाओ, वरना तुम अपने भाई को जानता है। प्लीज इसे पहन लीजिए, वरना मेरा भाई मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्लीज। इतना टाइम हो गया, अभी तक वो पादरी और बैंड वाला क्यों नहीं आया? अमर लाल एंड ब्रदर्स बैंड वाला रिपोर्टिंग सर। लेकिन तुम तो अकेला है, तुम्हारा वो ब्रदर्स किधर है? मेरा? अरे सर हम 3-in-1 है, यहाँ सब लोग हमारा भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी तो हैं भाई भाई। हाँ ये सब ठीक है ठीक है, लेकिन तुम क्या अकेला बैंड बजाएगा? सुनो मैन। सुनो तैन, मालिक की कृपा से हम अकेले भी इसके बराबर हैं, आप एक मौका तो दीजिए, हम अकेले बैंड बजा के निकल जाएगा, क्यों भाईजान? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, ये तो क्या बोलता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता, वो फादर का बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया? फादर का बच्चा नहीं सन, फादर को बाप बोलते हैं, और तुम्हारा बाप तुम्हारे सन दिख रहा है। Oh, I'm sorry, father. I'm really sorry. God bless you, my son. God bless you. शादी मुबारक। फादर फादर फादर, हम लड़की का बाप है, ब्राइडग्रूम हूँ।
सॉरी, हम अपना किस वापस लेता है और इसको देता है हैंडसम हैंडसम. थैंक यू फादर. व्हाट्स अ पर्सनालिटी, व्हाट्स अ पर्सनालिटी. लगता है गॉड ने तुमको बहुत फुर्सत में बनाया. लेकिन जब बिगाड़ने का टाइम आएगा तो बहुत दुख होगा. वेयर्स द ब्राइड, दुल्हन किधर है? ब्राइड ऊपर. हाँ तो जाओ बुला के लाओ. बोलो फादर एंथनी आया उसको शादी के वास्ते. यस फादर, यस फादर. फादर एंथनी, आपके दीदार के लिए तो यहाँ के कब से तरस गए थे. कहाँ थे आप? ब्रदर अकबर इलाहाबादी. हाउ आर यू, हाउ आर यू? क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? जानते हैं. अरे ब्रदर अकबर का जवानी से लेके बुढ़ापे तक 4 marriages करवाया हम. 4 marriages. Naughty boy. इस नचु माचा में आ रहा. लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है. जी हाँ, किसी की बैंड बजाते देखा होगा. मैं ये शादी नहीं करूंगी. यानी यानी डार्लिंग तुम समझती क्यों नहीं, ये मेरी लाइफ पे सवाल है. ये मेरी भी जिंदगी का सवाल है. Leave her alone, my son. Don't force the child. जबरदस्ती मत करो. You come down. नीचे आओ तुम. लगता है लड़की शादी के लिए राजी नहीं है. लेकिन फादर, एक बार शादी हो जाएगी तो वो खुद ब खुद राजी हो जाएगी. No, 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 my son. No, my child. पहले राजी फिर शादी. लेकिन फादर, समझ में नहीं आता उसको कैसे राजी करूं. क्यों? मैं लड़की को क्या पसंद है? What is she like? What is she like? She likes, नाचना गाना. मामा मियां मिठू नाचो गाओ. लेकिन हमको नाचना गाना नहीं आता फादर. नो प्रॉब्लम माय सन, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. हमारा शादी राजी करने के वास्ते हम गाएगा, हम नाचेगा और हम बजाएगा. थैंक यू. लेकिन फादर, ये सब कैसे होगा? ये अनहोनी है. अनहोनी को होनी करना हमारा काम है. ब्रदर अमर, रेडी? 1 2. अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी. अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी. एक जगह जब जमा हो तीनों अमर अकबर अंधनी, अमर अकबर अंधनी. अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी. अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी. एक जगह जब जमा हो तीनों अमर अकबर अंधनी, अमर अकबर अंधनी. करने की बात नहीं, ये मिलन की रेना है. कोई गम की रात नहीं. यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी. यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी. एक जगह जब जमा हुई ना
तुम इस लड़की को अपना वाइफ मानता है? Of course, father. और तुम लड़की इस आदमी को अपना हस्बैंड मानता है? तुम इस आदमी को अपना जेनी माय चाइल्ड जेनी माय चाइल्ड जेनी माय चाइल्ड जेनी हाँ नहीं लगाने का है अभी आधा मैरिज हुआ है पूरा नहीं अरे क्या हुआ मेरी बेटी को जेनी जेनी अरे को डॉक्टर को बुलाओ डॉक्टर को डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं मैं डॉक्टर हटो हटो मुबारक हो क्यों आपकी बेटी मां बनने वाली है क्या बकते हो तुम जबिस्टो यू चीट तुम जेनी का बॉडीगार्ड था ना ऐसा गार्ड करो उसके बॉडी को डैम इट लेकिन रॉबर्ट हमने कुछ नहीं किया मैं तुम्हारी सूरत देखना चाहता हूँ लास्ट नो डिस्कशन दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन गर्ल्स इसको ऊपर लेके जाओ जल्दी आ जल्दी 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 कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन पिक अप पिक अप आई से जेंटली 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 माय चाइल्ड माय सन कम बैक फादर यस माय सन यू रास्कल हम तुमको जान से मार डालेंगे अरे तुम क्या मारेगा मैं उससे पहले हम तुमको और तुम्हारी बेटी को जान से मार डालेगा तभी तो हम सोचता था फादर ये शादी करवाने के वास्ते इतना जल्दी कैसे राजी हो गया कैट हैम लुक एट डैम फूल राजी हम हुआ कि तुम हुआ तुम हमको बोला शादी अभी होगा इसी बात का बोला तुम मारो सब बोला क्या नहीं होगा जेंटलमैन नो फाइटिंग देखो हम अभी ऊपर जाएंगे लड़की से कन्फेस कराएंगे कि होने वाले बच्चे का बाप कौन है राइट टिल देन नो फाइटिंग ओके चले गए वो लोग उठो लीजा नो 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 जेनी ओ जेनी एंथनी ओ जेनी जेनी चलो मेरे साथ चलो कवर कर क्विक देखो इसके साथ तुम लोग नीचे उतर जाओ और जल्दी से पुलिस कंफर्म करो हाँ
अपन लोग इन सबसे निपट लेता है। हट जाओ। रॉबर्ट, रॉबर्ट। भाई ध्रुव, तुम इधर क्या कर रहे हो? हम पादरी और बैंड वाले को लाया है, इसका किसी ने कपड़ा छीन लिया है। क्या बकवास करता तुम? तुम्हारा भेजा पादरी और बैंड वाले इधर कभी कर चुका हो? हमने किसी पादरी और बैंड वाले को नहीं भेजा है। क्या? यस। ये कौन है? इंस्पेक्टर अमर। नाचीज को अकबर इलाहाबादी कहते हैं। और वो एंथनी, एंथनी गंजाल्वेस। मेरे हाथ हमेशा तेरी दुआ के उठे, लेकिन आज पहली बार माफ करो ना। और रॉबर्ट, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह कहानी मैंने तुम्हारे साथ शुरू की थी और आज तुम्हारे ही साथ इसे खत्म कर दूंगा। भारती, रो क्यों रही है? आज तो तुझे खुश होना चाहिए। तूने 3 बेटे खोए थे ना, आज भगवान ने तुझे 3 बेटों के साथ 3 बहुएं भी दे दी। इंस्पेक्टर साहब, एक बार मैं अपने बेटों को अपने सीने से लगाना चाहता हूं। थैंक यू। अनहोनी को होनी कर दे होने को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों। अनहोनी को होनी कर दे होने को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों।